करती हूँ आप सभी का लाइव के भी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सुनौली आदर्श नगर पंचायत सपा के कार्यकर्ता ने दिया बयान, संजय कनौजिया। नगर पंचायत सुनौली से सपा कार्यकर्ता संजय कनौजिया ने बताया कि इस बार अगर मौका मिला तो वह खुद नगर पंचायत सुनौली चेयरमैन के चुनाव में अपनी भागीदारी करेंगे। बात करते हुए संजय कनौजिया ने बताया कि आज सुनौली नगर पंचायत को 4 वर्ष हो गए, मगर विकास की गाथा लिखने वाले खुद ही भूल गए कि सुनौली का विकास क्या है और कैसे होगा। संजय ने बताया कि नगर पंचायत सुनौली में अगर सड़क बनी तो नाली नहीं, नाली बनी तो सड़क नहीं। सुनौली की लाइट व्यवस्था भी चरमराई हुई है। संजय ने बताया कि नगर में एक ITI होनी चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, साथ ही साथ नगर पंचायत सुनौली में कम से कम 5 एम्बुलेंस होना चाहिए। लाइव टीवी समाचार के लिए महाराजगंज से अमजद खान की रिपोर्ट। पहले आदर्श नगर पंचायत में कोई भी जो है चुनाव लड़ने के मूड में सभी लोग अपने आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्यों नहीं सोचते हैं कि विकास क्या होगा। जितने प्रत्याशी हैं बस यही जो है चुनाव लड़ने वाले आज तक यही कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी कि आपको बच्चे को तो सफाई कर्मी में कर देंगे, तो ये यहाँ चुंग लगा है तो इसमें कर देंगे, जो असली मुद्दा है उस पर नहीं आते हैं। असली मुद्दा हमारा ये है आदर्श नगर पंचायत सुनौली में कि सबसे पहले यहाँ पार्क होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, एम्बुलेंस निजी आदर्श नगर पंचायत में निजी होना चाहिए, और तमाम ऐसी जो योजना है जैसे आवास हुआ, कन्या विद्याधन हुआ, समाजवादी पेंशन हुआ, विकलांग हुआ, जो भी था जहाँ तक जो भी सुविधा मिल आया है उसको लोगों के बीच में ला के रखना चाहिए, उसको कराना चाहिए, क्योंकि आप समाजवादी से हम हैं इसलिए हम सारी चीज़ों को जानते हैं और लोगों को कहना भी चाहते हैं कि जो भी राजनीति कर रहा है, अगर आप समाज के लिए काम कर रहे हैं तो जो भी कार्य योजना जो बनी हुई है, जो सरकार द्वारा लागू किया गया है, उसको पढ़ लें। और पढ़ने के बाद, क्योंकि एक गरीब आदमी इस चीज़ को नहीं जानता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे जानेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का काम ये है कि वो जाए और विकलांगों का और वृद्धा पेंशन का जो होता है, विधवा का होता है, उसका काम करे, जहाँ जो गरीब है उसका क्या ज़रूरत है, क्या किस चीज़ पे काम करना है उसको पहले उठाएँ, उसका काम कराएँ। और शौचालय क्या हुआ, और सबसे पहले आप देख लीजिए पूरे नगर पंचायत सुनौली में जो है कहीं शौचालय करोड़ पे अगर कहीं किसी को जो है लग जाए तो वहाँ सुविधा नहीं है, कहीं जो है टंक नहीं बैठाए हैं कि कम से कम रोड पे चलने वाला कोई बाहरी आदमी आ गया तो उसमें जो है जाके खड़ा हो जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए, क्योंकि आदर्श नगर पंचायत वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, और यहाँ सबसे पहले ये होना चाहिए कि जहाँ चाहे चौराहे पे हो, चाहे नगर में हो, चाहे कस्बे में हो, ये शौचालय का टैंक जरूर रखवाना चाहिए। ये सब पे बात होनी चाहिए। हम अपील करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द जो है निगाह डालें और इसको किया जाए। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।